अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में अथर नवाब जो हाफिज़ बाबा नगर के रहने वाले हैं आपसे मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ बाबा नगर में रहता हूँ। मेरे एंसिस्टर्स कुछ प्रॉपर्टी जो है वरंगल में 3200 एकड़ है, जो रिवीजन सर्वे के टाइम जो है बाई मिस्टेक जो है फॉरेस्ट में रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक में ले लिए थे। 88 में जो है फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर खम्माम जो है ऑर्डर पास करे कि बाई मिस्टेक जो है रिवीजन फॉरेस्ट ब्लॉक में गया, ये परचेस लैंड है, लिहाजा अगर आप फॉरेस्ट को इतनी ज़रूरी है ज़मीन तो इनको जो है एज ए कंपनसेशन अदर लैंड या कैश देकर जो है एक्वायर कर सकते, ऐसा फ्रीली जो है किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते। उसके बाद जो है 92 में जो है वरंगल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजमेंट ये दिया कि बिल मख्ता फलां जो है सीलिंग के तहत सब निकाल के जो है 836 एकड़ पट्टा करें, 2000 एकड़ जो है फॉरेस्ट में ही रखें, जिसका कंपनसेशन आज भी पेंडिंग है। अभी प्रेजेंट 2000 एकड़ का मैटर जो है हाईकोर्ट में रेट अपील 650/2005 पेंडिंग है। 836 एकड़ जो पट्टा लैंड है, ये जो है पहानियाँ हैं उसके, वो जो है बगैर जो है हमारे पट्टा किए हुए जो है फार्मर्स उस पर कल्टिवेशन जो है कॉलम में आ चुके हैं। इसमें जो है हम लोग छोटे रहने की वजह से, मेरे वालिद साहब को गवर्नमेंट सर्वेंट थे यहाँ पे, हम लोग देख नहीं सके। मैं भी 10-14 साल से करीब इसमें इन्वॉल्व हूँ, ये मैटर मैं ऑफिशियली हैंडल कर रहा हूँ। तो मैं रिसेंटली अब जो गवर्नमेंट के स्कीम के तहत जो सर्वे का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एक अप्लीकेशन कलेक्ट्रेट हॉनेबल कलेक्ट्रेट जो वरंगल रूरल को अप्लाई किया कि जो ये पट्टे पासबुक वालों को इशू नहीं करना, ये हमारी परचेस लैंड है वगैरह बोल के। एक जो है वरंगल CP रूरल जो है उनको भी एक कंप्लेन दिया हूँ कि ट्रेस पार्सेस ये लोग जो है विदाउट एनी राइट्स जो है एक्वायर कर लिए हमारी लैंड बोल के। तो ऐसा हिसाब से भी बात हुई खानापुर PS के, उन्होंने जो है मेरे को नोटिस इशू करे बोले, FIR इन्वेस्टिगेशन के बाद करते बोले। इस हसना में वहाँ पे जो हमारे रिलेशन के एक जो है चिच्चा होना, उनके वालिद का नाम गुलाम महमूद है, उन्होंने वहाँ पे जो है सब मेरी ओनर्स कोई नहीं है इसके, सब मेरी है बोल रहे, जबकि उन्होंने गुलाम महमूद साहब के बेटे है। अच्छा। मोहम्मद मुजम्मिल अलियास बाबा उनका नाम है, उन्होंने जो है 2000 एकड़ में शेयर होल्डर है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन ये पट्टा लैंड गुलाम मुस्तफ़ा के नाम पर है तो उनके इलीगल रहेंगे, चाहे एक हो या 1000 हो। इन्हों गैर ज़रूरी वहाँ पर जो है इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं है, इनका नाम ही नहीं है उसमें। अच्छा। 2000 इन्हों मेरे चिच्चा ही होना रिश्ते के, मेरे दादा के भाई के बेटे हैं। अच्छा। लेकिन इसमें जो डॉक्यूमेंट है गुलाम मुस्तफ़ा के नाम पे है तो उनके इलीगल रहेंगे। अच्छा। इनके वालिद का नाम गुलाम महमूद है तो इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है? इन्हों खाली पीली वहाँ पे जो है फार्मर्स को भटका के अब तक काफ़ी पैसे कलेक्ट कर चुके हैं ओरली। अच्छा। कई वेटेंसेस है वहाँ पे, फार्मर से आप पूछे तो मालूम हो जाता, पुलिस को भी मालूम है, तहसीलदार खानापुर को भी मालूम है। ये मामले में जो है जब मैं पैरवी कर रहा हूँ टाइट ऑफिशियली हर जगह, तो 2015 में भी जो है रात में मेरे ऊपर अटैक हुआ था, ये MLC है। कहाँ पे हुआ था आपको अटैक? हाफिज बाबा नगर में। अच्छा। बैक साइड शालीमार होटल के। अच्छा, कौन थे अटैक करने वाले? अंधेरे में हुआ, मेरे को स्टिकों से गुप्पत मारे। अच्छा। तो जब भी मैं जो है PS में इन्फॉर्म करा, हवी फंक्शन आलगन BC के जवान थे, वो लोग मेरे को जो है पुलिस की गाड़ी में बिठा के OBC में ले आके एडमिट करे। अच्छा। उसके बाद खैर मैं भी अप्रोच नहीं हुआ, ये MLC बनी हुई है। MLC के मुताबिक कोई FIR वगैरह नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। रिसेंटली मैं कल फिर जो है मेरे को जो है मुजम्मिल अलियास बाबा जो है दूसरे रिश्तेदारों के तहत मेरे छोटे भाई को भी बुलाकर कंप्रोमाइज़ कर लो, लिख के हमारे को दे दो, तुम लोग ज़मीन में नहीं आना है तो धड़ से मुंडी अलग होंगी बोल के मेरे भाई को भी बोल रहे हैं। कौन कौन है बोलने? मुजम्मिल अलियास बाबा और उनके साथी मेरे दूसरे रिश्ते। मैं कल ही जो है रजिस्टर्ड पोस्ट जो है पूरा वरंगल कमिश्नरेट रूरल DGP साहब को, कंचनबाग PS को, और व्हाट्सएप पे ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी हैदराबाद सिटी पुलिस को और वरंगल रूरल कमिश्नरेट को, खानापुर PS को, सबको रजिस्टर पोस्ट कर चुका हूँ। अभी तक जो है कोई रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, आपकी जान को खतरा है बोला? बहुत बड़ा खतरा है, अगर मेरे को कुछ भी, मेरे को या मेरे भाई को, फैमिली को किसी भी एक्सीडेंटल इंसिडेंटल, मुजम्मिल अलियास बाबा रहेंगे जो उन्होंने नाम से एडवोकेट भी बोलते हैं अपने को, पूरा इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनके। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करी तो फिर पुलिस कार्रवाई नहीं करेंगे तो पुलिस भी मिलके है बोले सर की बात होंगी ना। अच्छा। मैं तो जेन्यून ऑफिशियली फॉलो अप कर रहा हूँ, मैं पूरा ऑलरेडी जो है इससे पहले भी DGP साहब को सबको कंप्लेन कर चुका हूँ, पूरे एक्नॉलेजमेंट है मेरे कोई पास नहीं। अभी तक कोई नहीं आया, सिविल मैटर है, कोर्ट को जाओ बोल रहे। अच्छा। इसमें जान को जी हाँ सिविल मैटर है, कोर्ट को जाओ बोल के बोल रहे।
लेकिन मेरे को कल के दिन कुछ भी होएगा। सो इन्होंने ओपनली धमकियाँ दे रहे हैं मेरे को अभी एक चार दिन से। मेरे वालदा हार्ट पेशेंट है, मेरे घर का माहौल अभी फिलहाल बहुत ख़राब है इनके धमकियों की वजह से, तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना। अब पुलिस से भी ये चाह रहे कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना, सख्त से सख्त कार्रवाई होना जल्द से जल्द।